नमकीन बनाने के लिए सबसे पहले हम कढ़ाई में तेल लेंगे। जैसा कि आप देख रहे हैं मैंने तेल ले लिया है, इसे मैंने तेज आंच पर गरम कर लिया है और अब ये अच्छे से गरम हो चुका है। अब हम इसे बिल्कुल कम कर देंगे। अब आगे का प्रोसीजर शुरू करते हैं। ये मैंने दालें जो है 12 घंटे के लिए भिगो दी थी रात में और बेकिंग पाउडर में मैंने डाल दिया था। ये मैंने सब दालें अलग अलग भिगाई थी, आप चाहें तो एक साथ भी भिगा सकते हैं। तो इस तरह से अब मैंने इसे पानी इसका अच्छे से निचोड़ लिया है। आधा घंटा मैंने इसे निचोड़ने के लिए बाहर रख दिया था ताकि पानी इसमें बिल्कुल भी ना रहे। तो अब आगे का प्रोसेस शुरू करते हैं। जैसा कि आपको मैंने बताया था कि कश्मीरी नमकीन बनाने के लिए मैंने ये सारी दालें भिगो करके रख दी थी और उन्हें अच्छे से निकाल करके पानी से फिर मैंने तेल में इसे डीप फ्राई कर लिया था। ये मैंने यहाँ पे डीप फ्राई करके रखी हुई हैं। अगर आपको देखना है कि डीप फ्राई कैसे करी है तो आप मेरी पिछली वीडियो देख सकते हैं जिसमें मैंने अलग अलग नमकीन बनाई है, तो उसमें आपको अलग अलग से मिल जाएगा कि मूंगफली कैसे करनी है या आपको काबुली चने कैसे करने हैं। यहाँ पे मैंने करके रख लिया है क्योंकि सब में टाइम किसी में कम किसी में ज़्यादा लगता है। तो इस तरीके से मैंने सारे फ्राई कर ली हैं और इसके लिए मैंने अलग से थोड़े से काजू बादाम और मखाने लिए हैं और थोड़ी सी मैं इसमें बूंदी डालूंगी। ये बूंदी भी घर में तैयार की हुई है, इसका वीडियो भी मैंने डाल रखा है कि बूंदी घर में कैसे तैयार करनी है। इसके अलावा मैं बता दूँ आपको जो मसाले चाहिए वो है धनिया, मिर्च और आपका आमचूर पाउडर, काला नमक, ये है हमारा भुना हुआ जीरा, काली मिर्च और नमक। तो अब हम इसे सबको मिक्स करेंगे। ये सब चीज़ें आप अपनी क्वांटिटी के अकॉर्डिंग, नमक वमक आप अपने हिसाब से डाल लीजिएगा। तो ये मैं सारा इसे मिक्स कर देती हूँ। ये अच्छे से आप मिक्स कर लीजिए। थोड़ी सी मैं इसमें बूंदी डाल देती हूँ। अब इसमें हम ये सारे मसाले जो मैंने आपको दिखाए हैं ये डालूंगी। आधा चम्मच के करीब हम धनिया डालेंगे, आधा चम्मच मिर्च, आमचूर पाउडर आधा चम्मच, आधा चम्मच के करीब ही हम काला नमक डालेंगे, भुना हुआ जीरा एक चम्मच और काली मिर्च डालेंगे आधे चम्मच से भी कम चुटकी भर और प्लेन सॉल्ट आधा चम्मच। इसको अब अच्छे से मिक्स कर लीजिए। इस तरीके से अच्छे से मिला लीजिए। अब हम इसमें डालेंगे मखाने, काजू, बादाम, तो ये सारे हमने मिक्स कर लिए। अब ये बिल्कुल खाने के लिए तैयार है। अब इसे हम एक बाउल में सर्व करते हैं। लीजिए हमारी ये नमकीन बिल्कुल तैयार है और बिल्कुल बाजार जैसी टेस्ट आएगा इसका आपको, और बाजार से भी ज़्यादा हाइजीनिक अच्छा है। आप घर में बनाइए, खाइए, स्वस्थ रहिए और घर पर रहिए। तो अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए, ये नमकीन आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर भी कीजिए। और अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ पहले सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो फिर मिलेंगे अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए आगे दीजिए। बाय बाय।